जमशेदपुर पोटका में 34 पंचायतों में आवास प्लस में भारी गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक अनशन प्रखंड कार्यालय में किया गया। इसका नेतृत्व जिला सचिव जयराम हंसदा कर रहे थे। उनका कहना है कि जब तक के आवास प्लस में गड़बड़ी करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों आवास प्लस में एक सूची जारी की गई थी जिसमें पोटका के 34 पंचायतों में 926 आवास स्वीकृत हुए हैं, जबकि 26,000 गरीब असहाय लोगों की सूची भेजी गई थी जिनका आवास नहीं है या आवास है तो जर्जर स्थिति में है। मामले पर कांग्रेस पार्टी द्वारा अविलंब कार्रवाई नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की बाहर कही गयी। जमशेदपुर से शिवशंकर साह की रिपोर्ट। इसी जगह में बैठेंगे ये हम लोग बी सी ओ साहब को समय दे रहे हैं कुछ दिन के लिए, अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो हम लोग अमरण अनशन यहाँ करेंगे और निश्चितकालीन अमरण अनशन करेंगे। और जनता ने सरकार को चेंज किया है, बदला है, यही बिचौलिया हावी नहीं हो बोल के बदला है। बिचौलिया हावी था पिछला सरकार में, बिचौलिया हावी था इस सरकार में भी, बिचौलिया हावी होने जा रहा है, इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। और जो भी आवास में नाम जुड़ाया है ज़्यादातर बिचौलिया का माध्यम से ही जुड़ाया गया है। इसमें गरीब आदमी जो जिसका ज़रूरत है आवास के लिए वो आदमी को नाम नहीं है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। और जो भी लोग बिचौलिया का साठगांठ से काम करवा रहे हैं, कर रहे हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, उसको यहाँ से सफाई करेंगे। सभी विभाग में बिचौलिया और भ्रष्टाचार का यहाँ दबदबा है और आज यूपीए का शासन काल में हम लोग उस जंग को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह इस बार जो है प्रधानमंत्री आवास प्लस आवंटन में घोटाला हुआ है उसका हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। और इसमें इन लोगों ने बिचौलिया के माध्यम से जो लोगों ने रिश्वतखोरी का रिश्वतखोर लोग जियोटेक करके आवास आवंटन सिर्फ 2 पंचायत में किया गया है, इससे बाकी जो गरीब तबके के लोग हैं, बाकी 32 पंचायत के लोग हैं, वो आवास से वंचित हो रहे हैं। और यहाँ आवास उन लोगों को दिया जा रहा है जो यहाँ के जो 2 स्टाफ हैं, विशाल मोदक और विकास तापस त्रिपाठी और विशाल मोदक, इन लोगों के मिली भगत से वैसे जगह में चिन्हित करके इन लोगों को बिचौलिया के साथ मिली भगत करके इन लोगों को सिर्फ 2 पंचायत में ही आवास आवंटन किया है। बाकी जगह जो प्रतिनिधि और स्वयं सेवक इन लोगों को जिम्मेदारी दिया गया था उन लोगों को जियोटेक करने का पासवर्ड दिया नहीं गया है, इसलिए ये दोनों को हम उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं ये दोनों स्टाफ को यहाँ से हटाया जाए, ये जंग और स्क्रैप लगा हुआ चीज़ को हटना चाहिए, तभी यहाँ जो है गरीब तबके के लोगों को आवास और सभी जो हक है मूलभूत सुविधा है सब हक मिलेगा।